वास्तविक निज स्वरूप क्या है? स्वरूपस्य पारखेन सर्वाणि निवेरम प्राप्ते निर्वंध तत्पारख पद सर्व पदम प्रधानम। श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 21 के 8वें श्लोक में पारखी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, निज स्वरूप के परख लेने से सबका निवेर निर्णय करने की समर्थ हो जाती है। यह पारख पद सभी पदों से प्रधान और सबकी परख करने वाला है। सार शब्द पारखम निर्णय चा सत्य असत्यम निर्बंध पारखियम परख शब्द टकसारम। नमे श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान समझाते हुए कहते हैं कि सार शब्द को परख करके सत्य और असत्य का निर्णय न्याय कर लेता है। यह पारखी सार वस्तु निज स्वरूप को समझाने में समर्थ होता है, जो सबका परम विशेष स्वरूप है। यस्य स्वरूपस्थिता वास्थाम प्राप्ते कहा साधनम निर्बंध साधक सिद्ध्याद परे चा सुजान पुरुषः। 10वें श्लोक में परम विज्ञानात्मक सद्गुरुदेव जी महाराज निर्बंध को समझाकर बताते हैं कि जो परम योगी इस स्वरूप स्थित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार के साधनों की क्या आवश्यकता है। साधक सिद्ध आदि से अलग स्वरूप वाला सुजान पुरुष होता है, जिसने अपना वास्तविक निज स्वरूप जाना है। निज स्वरूपवानम पुरुषोत्तम दिव्य जाग्रतम निर्बंध सर्व साधन क्रियाद मुच्यते नित्यम। 11वें श्लोक में संत श्रोमणि गुरुदेव भगवान निर्बंध से कहते हैं कि इस परम प्रकाशित निज स्वरूप को प्राप्त कर लेने वाला दिव्य पुरुषोत्तम हमेशा के लिए जागृत हो जाता है, और ऐसा परम योगी सभी साधन क्रिया आदि को फिर नहीं करता है। सभी बंधनों से रहित नित्य विशेष पुरुष जगत में अत्यंत दुर्लभ ही है। गुरुदेव भगवान निज स्वरूप का वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं और परख करा रहे हैं। सुरति शब्दातीतम निरते अद्वैतम चाव परम निर्बंध निज स्वरूपम बोधम निरत प्रमाणायम। 12वें श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज निर्बंध को बताते हुए कहते हैं कि यह है निज स्वरूप सुरति शब्द से अलग स्थित वाला है। एक स्थिति एक निरति ही उस निज स्वरूप को बोध कराती है, वह निरति ही उसका जानने का प्रमाण है। सुरतस्य परचया निरति निर्धारम नित्यम निर्बंध केवल निरति अद्वैत यम परम पदम। 13वें श्लोक में पारखी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि निरति शब्द से मिलकर जब अनामी धाम तक जाती है, जब सुरति निरति से परिचय कर लेती है, जो नित्य निर्धार स्वरूप वाली है, केवल निरति ही एक अद्वैत परम पद है। निज स्वरूप को जानने वाला ही पारखी निरति अद्वैत पद का अधिकारी है। निरति अद्वैते निमग्नम एकांतम स्वरूपम परम निर्बंध सह पुरुषोत्तम जगते अति दुर्लभम। 14वें श्लोक में पारखी सद्गुरुदेव जी महाराज निज स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि यह निरति अद्वैत में लीन होकर उस एक सत्य का भी अंत कर देती है, जो प्रमाण है। इस निरति के द्वारा जाना गया जो यह निज स्वरूप ऐसा महापुरुष संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है, फिर वह स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि निरति का
जो हमेशा नृत्य में लीन रहते हैं वो पुरुषोत्तम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है।